गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और आज है संडे, बट संडे होने के बावजूद भी आज मुझे सुबह भी अपॉइंटमेंट्स है और शाम को भी अपॉइंटमेंट्स है पार्लर में। वैसे तो मैं संडे अपॉइंटमेंट ज़्यादा सुबह बिल्कुल भी नहीं लेती, शाम को ही लेती हूँ। सुबह के अपॉइंटमेंट्स में ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ संडे के दिन, क्योंकि हम संडे उठते ही आराम से हैं और उसके बाद संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना होता है। बट क्योंकि अभी शादियों का सीजन है तो मैं मना भी नहीं कर पाई। वैसे टाइम है, अभी 9 बज रहे हैं, मुझे 11 बजे की अपॉइंटमेंट है। उठ के वैसे तो बहुत देर से हम सुस्ता ही रहे थे। अभी मैंने मटर छीले हैं बैठ के, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं पाव भाजी, क्योंकि संडे है, संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह का होता है संडे हमारा, क्योंकि हम वो 11:30 बजे खाते हैं, तो हेवी वाला ब्रेकफास्ट होता है। ब्रंच बोल दीजिए, मतलब ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है हमारा, ब्रंच होता है। जब जानू रहती थी तभी भी हम इसी तरह का ब्रंच करते थे। इवन आज जानू को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी, इवन जानू हमारा ब्रेकफास्ट बहुत मिस करेगी जब देखेगी वीडियोज़ में, फोटोज़ में। और कल मैं थोड़ी, मतलब आपको पता नहीं है, मैंने बताया नहीं है कि पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने पूरा एक हफ्ता वीडियो भी नहीं बनाया। मतलब मैंने सिर्फ शॉर्ट्स डाले मेरे एनिवर्सरी के दिन के, वो भी उस दिन रात में हमने वीडियो बनाया था, सेलिब्रेशन किया था। बट उस दिन तक भी मुझे लास्ट मंडे से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे वो छड़ी जोरा बोलते कन्नड़ा में, हिंदी में क्यों, ठंड लग के से बुखार आता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो उस तरह का मुझे फीवर हुआ था। एंड कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया था, बॉडी पेन भी बहुत था, तो मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली थी, इंजेक्शन वगैरह कराया था, तो ठीक थी। तो इस वजह से थोड़ी सी ना, वो क्या बोलती, कमज़ोरी है अभी भी बदन में, कहीं कहीं लग रही है। और कल भी क्लाइंट्स थे, परसों भी क्लाइंट्स थे, क्योंकि 3-4 दिन जब छुट्टी हो जाती है ना, उसके दूसरे दिन ना थोड़ा सा पार्लर ऐसा एकदम भर जाता है। तो अपॉइंटमेंट्स मेरे पेंडिंग थे, वो मैंने सारे क्लियर किए। तो आज तो मैं नहीं चाहती थी कि आज के अपॉइंटमेंट में वापस कल डालूं और कल का हेक्टिक हो जाए दिन, क्योंकि कल ब्राइडल है मेरी, तो कल तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी, तो सोचा आज ही। तो अभी मैंने तेजू को पाव लाने भेजे और मैं मटर भिगोऊंगी। और मैंने कल ना किचन की क्लीनिंग भी नहीं की, देखिए मतलब मेरी किचन ऐसा रहता नहीं है, मैं रोज़ रात को क्लीन करके ही सोती हूँ, बट क्योंकि कल मुझे थोड़ी सी सुस्ती लग रही थी तो मैंने नहीं किया है। तो जब तक ये मटर उबलते हैं मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। देखिए नहीं, तूने कुछ नहीं बोला, अभी देखो मैं कुछ अच्छा बता रही हूँ तो भी प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा काम कर रहा है, मैं दिखा सकती हूँ ना, कहाँ है? नहीं दिख रही, मेरे पीछे छुप रही है, यहाँ यहाँ पे। अरे कहाँ है तू? ये देखिए तेजू निकाल रही है झाड़ू निकाल रही है, सारे सामान को वही रखते हुए। वो निकाल के झाड़ू निकालना चाहिए तेजू। माँ इतना क्यों बेजार होता है, तुझे कुछ बोले भी तो। ये देखो देखो संडे के दिन का चेहरा देखो, संडे हमें उठना ही नहीं होता है ना, नहीं होता। ये देखो इसका चेहरा देखो। तो अभी तेजू निकाल रही है झाड़ू, मैं कर रही हूँ पाव भाजी की तैयारी। यहाँ पे मेरे मटर और आलू उबल रहे हैं, उबले नहीं अभी, उबलेंगे भी से जोर जोर से उबलेंगे उसके बाद। और ये बाप रे, मैं गिरती थी ना पागल, सिर्फ मुझे वो लेने दे। अरे बाप रे, आज ना हमारे चिक्की को भी उड़ते ही भूख लगी है, उड़ते ही खाना मांग रही है आज। हाँ बोल, उसको पता चल जाता है उसके बारे में कुछ, हम बताते हैं तो। मेरी चुगली कर ली है सब, ये तुझे पार्लर जाना है, बताया ना मैंने तुझे। आज हमारी मेड भी नहीं आ रही है, मतलब क्या ना, आज ही का दिन मिला था उसको भी छुट्टी करने के लिए, बट देती हूँ मैं हफ्ते में एक छुट्टी, बट इस बार तो उसने इतनी छुट्टियां मारी है ना, मैंने डांटा है कल उसको और बिना बोले छुट्टी की है। पहली बात तो वो है कि मुझे बताई भी नहीं है सीधे सीधे छुट्टी, तो मुझे जब शायद दोपहर तक का अंदाजा लग जाता है कि अच्छा आज इसने छुट्टी कर दी, बट कल वो बोली है कि आज नहीं आएगी। संडे चलता है, मतलब संडे हम भी आराम से उठते तो हम कर लेते, बट मंडे तो चाहिए होती है वो, मंडे के सुबह।
आज बर्तन भी घसने, आज बहुत सारे काम, आज का दिन पता नहीं मेरा मुझे लग रहा है से सिक्स सेंस मेरा बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। घर आता हां सुन लेना, चलिए मिलते हैं पावजी रेडी होने के बाद। तो चिकी भी आ चुकी है किचन में, ये देखिए अपने स्थान पे स्थानापन्न हो चुकी है, उसका ये फेवरेट जगह है हमारे किचन में, यहीं पे बैठती है वो। पुराने किचन में भी वो ऐसे कट्टे पे बैठती थी, देखिए मेरी बातें रिपीट करती है, मेरी बातें रिपीट करती है। तो पाव भाजी की तैयारी हो चुकी है फ्रेंड्स, मसाला रेडी है, हमारे मटर आज मैंने कुकर में नहीं डाले थे, डायरेक्ट उबालने लगाए थे, वो अभी तक उबल ही रहे हैं, थोड़े और उबल जाए तो उनको स्मैश करके इसमें डाल के मिक्स करके हम खाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी की रेसिपी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है अभी तक भी, तो मेरे फूड प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे रेसिपीज है मेरे। अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका अलग से लिंक दे दूंगी। क्या करिए ना बाबा, ना 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 हाँ, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, और पाव भाजी का भी चाहे तो अलग से वो भी लिंक दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल बेस्ट रेसिपी है संडे स्पेशल के लिए, बच्चे खुशी से खाएंगे और हेल्दी खाएंगे क्योंकि वो घर का होगा। वहां पे उबल ही रहे बीबी, धुआं उठ ही रहा है, ये देखिए इस धुएं को ना चिक्की को पुफ कर लिए, ये धुआं जो उठ रहा है नहीं दिख रहा है, पाव भाजी मत देनी तेजू को, मैंने हल्दी लाने भेजी क्योंकि हल्दी खत्म हुई मुझे पता ही नहीं चला, डब्बा मैंने धो के मैंने खुद ही रखा है और मैं खुद ही भूल गई, और जो यहाँ के अंदर की हल्दी थी वो भी खत्म हो गई, मतलब एंड तक खत्म होने तक मैंने हल्दी लाई नहीं, तो अभी तेजू गई हल्दी लाने क्योंकि हल्दी तो चाहिए ही, बहुत हर खाने में चाहिए। चलिए मिलते खाते वक्त। देखिए इसको पाव भाजी के साथ बन खाना होता है, बन ये है पाव, ये है बन, और ये बच्चा मेरा ना थोड़ा अजीब ही है, क्या कर नहीं सकते, सारे बच्चे तो सेम हो नहीं सकते। तो अब हम, मैं और ये रही हमारी चिक्की, हम दोनों हमारी पाव भाजी जो हम रेडी करके आ चुके हैं थाली वो खाएंगे। चलिए ये है हमारी पाव भाजी की प्लेट, ये दो चिक्की के लिए, दो मेरे लिए, और दो आई नहीं रही है, बा माँ बा उसको उठा के लेके आना है, महारानी है हमारे घर की, ये महारानी बन चुकी है। चलिए देखा देखा कितनी चालू लड़की है, इसको सब समझ में आता है, ये ना पक्की चैप्टर चैप्टर शर्मा गई चिकी है ना, तो चले डगंत। और ऐसे बातें करते करते लेट हो चुका है, और अब मैं नाश्ता करूँगी पहले इसके साथ, और बाद में निकलूँगी पार्लर के लिए, आपसे सीधे पार्लर पर मिलती हूँ। चलिए वैसे तो फ्रेंड्स मेरे सारे क्लाइंट्स को पता है कि संडे के दिन मैं सुबह ज़्यादातर नहीं ओपन करती पार्लर, शाम को मैं कभी कभी कर भी लेती हूँ क्योंकि मेरी वर्किंग लेडीज़ जो होते हैं उनके लिए मुझे संडे शाम को ओपन करना पड़ता है, बट अभी शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो मुझे आज सुबह भी आना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे क्लाइंट्स बहुत अपना टाइम मेरे लिए एडजस्ट कर पाते हैं, तो कभी कभी मैं भी उनके लिए अपना टाइम एडजस्ट कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं घर, हमारे घर आई हुई चेतना। चेतना क्यों आई है ऐसा आप सोच रहे होंगे संडे के दिन, क्योंकि चेतना आई है। क्यों आई है चेतना, क्यों आई हो आप, क्यों आई? न्यू ईयर पार्टी, न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं हम, मतलब ये कर रहे हैं न्यू ईयर की पार्टी की जो तैयारी होती है वो सारी तैयारी करने हैं। चेतना घर आई है तो लिस्ट बनानी होती है, गेम्स करने होते हैं, क्योंकि पिछले बार हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमने हमारी इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी न्यू ईयर पार्टी बहुत अच्छी हुई थी। मैं उसका लिंक दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है ना आप हमारी लास्ट ईयर की न्यू ईयर पार्टी की वीडियोस देख लीजिएगा, मस्त हमने लास्ट मोमेंट में भी काफ़ी अच्छी तरह से न्यू ईयर पार्टी बनाई थी, बट इस टाइम हम थोड़ा तैयारी करके न्यू ईयर बनाने वाले, तो उसका लिस्ट लिखना है, खाने पीने की चीज़ें लिखनी है, गेम्स लिखने हैं जो अभी हम सब वो तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग आपसे वापस बाद में मिलेंगे थोड़ी देर बाद, बाय बोल दीजिए, बाय, आपसे हम थोड़ी देर बाद वापस मिलते हैं। चिक्कू अभी अभी सो रही है क्योंकि मैं अभी आई हूँ, एक ये 1:30 बज गया,
मुझे वापस 4 बजे वापस पार्लर भी जाना है बाय द वे। चलो तो फ्रेंड्स, चेतना अभी भी गई है, हमारा लिस्ट जो भी करना था हमने वो सब कर दिया है। राज अभी घर आए हैं, उनको अभी मैं पाव बटी ले अपने पाव गरम कर लूँ। और पता नहीं क्यों मुझे अभी सुस्त हो रहा, सुस्त मीन्स बेचौर, क्योंकि संडे के दिन ना मुझे पार्लर जाना पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी गई। और अभी मुझे शाम को अपॉइंटमेंट्स भी है, तो मैं ऐसा भी नहीं है कि चलो आज रेस्ट करना है, अभी इसके खा पी के सोऊंगी, ऐसा भी नहीं है। अभी शाम की तैयारी करनी है और अभी खाना खा के घर के जो सुबह के मेरे काम थे जो मैं संडे के दिन करती हूँ वो सारे काम बाकी है, और उसके बाद फिर निकलना है। तो थोड़ा खा पी ले, अभी भूख लगी है। वैसे सुबह कितने बजे जल्दी हुआ था, जो वैसे संडे को हम इतने जल्दी नाश्ता भी नहीं करते, आज हमने बहुत जल्दी नाश्ता कर दिया था। अब जो है वो पाव भाजी मैं वापस गरम कर रही हूँ, भाजी मेरी गरम हो चुकी है, पाव गरम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह राज ने नहीं खाया था, वो जल्दी निकल गए थे, उसके जाने के बाद बनाया था बाय द वे मैंने। क्योंकि क्या है ना, संडे हम ऑमलेट ब्रेड ही खाते हैं ऑलमोस्ट, तो राज को उतना पसंद नहीं है ऑमलेट ब्रेड, तो वो संडे के दिन सुबह घर पर नाश्ता करता ही नहीं है, वो बाहर करता है। बट आज हमने प्लान चेंज कर दिया और आज हमने पाव भाजी बना दी, तो अभी वो पाव भाजी है, बहुत सारी है, जो अभी हमारे लंच के लिए भी हो जाएगी। थोड़ा सा चावल बना देंगे, मिलती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो। तेजू ने ये सब ताम झाम करके ये कुछ बनाया है और इतने सुंदर कप में रखा है, ये निकाल दिया, अच्छा नहीं लग रहा है। ये इतने सुंदर कप में और खुद ही पी रही है, ये किसके लिए भाई दवे? चलिए पी के देखते कैसा बना। क्या क्या डाली इसमें? वाटरमेलन, वो देखिए वहां से छोटे से इसमें जिसे राज दिख रहा है, राज तू भी एक सिप पी के देख ले। ओ अभी तेजो और एक ग्लास में हमको डाल, उस ग्लास में पीने का मजा ही कुछ अलग है। इतनी गलाई ना नग। हाँ क्या, अरे मुझे लगा मेरे लिए बना ली। इस ग्लास में पीने का मजा ही कुछ अलग है। ओह विद लाइटिंग एंड ऑल यू नो। मस्त हुआ तेजू, ले मुझे लेट हो गया, बाय। चलो बाय बाय। बाय चिक्की को भी बाय बोलेंगे, आई चिक्की खेल रही है वैसे। चिक्कू चिक्कू बाय बाय, सी यू सी यू। अभी तेरे की तबीयत ठीक हो गई तो सही दिख रही है, सर्दी गई है अभी उसकी, छोड़ मेरी भी सर्दी गई है, मिलते हैं पार्लर में। हाय हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोने। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर और तेजू गई है पिंटू और करिया का वॉकिंग करवाने, और अभी मैं करने वाली हूँ डिनर की तैयारी, और मुझे हेल्प करने वाली है, मुझे असिस्ट करने वाली है। हेल्प क्या, मुझे असिस्ट ही करती है, मतलब ये मुझे ऑर्डर्स देती है, ये मैनेजर बन जाती है, और ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर, तो अभी ये मुझे असिस्ट करेगी, मेरी मैनेजर, और हम बनाएंगे कुछ पुलाव टाइप, है ना, क्योंकि पाव भाजी बहुत हेवी हो चुकी है दोपहर में। तो चलिए फ्रेंड्स अब बनाते हैं कुछ पुलाव। तो मुझे मटर जो है वो छीलने हैं और वेजिटेबल्स कट करने हैं, इसको मैंने यहाँ बिठा लिया है क्योंकि तेजू गई है ना नीचे, और इसको यहाँ बैठना पसंद है, ये यहाँ बैठ के मेरे साथ अभी सारे राइम्स गाएगी, फिर आरतियाँ गाएगी। यहाँ कम तो थोड़ा डिनर की तैयारी कर ले, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स रात हो चुकी है और आज मैंने ना पूरा व्लॉग कंप्लीट किया, मतलब सुबह से लेके रात तक मैंने ऐसे व्लॉग बीच में नहीं छोड़ा, ना ही मैंने छोड़ देना भी ये क्या व्लॉग में लेना, ऐसा नहीं किया। मतलब जैसे मैं पहले बनाती थी ना प्रॉपर व्लॉगिंग सुबह से लेके रात तक की, वैसे मैंने आज कोशिश की कि मैं वापस इस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स पसंद किए जा रहे हैं वापस से, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
और जब व्लॉग्स पसंद किए जाते हैं तो फिर उनको बनाने का मन भी करता है कि आप लोगों के साथ शेयर करने का मन भी करता है। तो अब कितने बज रहे पता है? अब बज रहे 11:45। वैसे तो सारा काम हो चुका है मेरा रात का, बस थोड़ा सा किचन क्लीनिंग का काम बाकी है। क्योंकि रात को किचन क्लीन हो जाएगा ना तो सुबह मुझे एक आधा घंटा आराम मिलता है, नहीं तो अगर मैं रात को किचन क्लीन नहीं कर पाई और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो सुबह मुझे आधा घंटा फिर जल्दी किचन में घुसना पड़ता है। और सुबह क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है और सुबह जो ठंड होती है ना उसमें सोने का मज़ा ही अलग होता है, तो मुझे वो आधे घंटे की नींद बहुत प्यारी होती है। भले मुझे अभी एक आधे घंटे की नींद कम मिले कोई वादा नहीं, बट सुबह की जो आधे घंटे की ठंड की नींद होती है ना मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स अब मैं जाऊंगी किचन में, थोड़ा सा किचन क्लीन कर दूंगी और आप लोगों से हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।